हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज का वीडियो टोटली बेस्ड है सैनिक स्कूल के ऊपर। एक पूरा तरीका आपको बताया जाएगा, सारे प्रोसीजर पे हम लोग नज़र डालेंगे दैट हाउ टू ज्वाइन सैनिक स्कूल। ओके, पेरेंट्स के डिमांड पर ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं कि आप सैनिक स्कूल को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आज हम देखने वाले हैं, तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यू शुड नो कि हम आज क्या डिस्कस करेंगे। देखिए, विल डिस्कस अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, आप कैसे सैनिक स्कूल के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, व्हाट इज दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को भी हम आज देखेंगे, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट में ही आप अप्लाई करोगे और आपको मालूम होना चाहिए कि ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है। ओके, कभी कभी पेरेंट्स को ऑफिशियल वेबसाइट्स के बारे में भी मालूम नहीं होता। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं सैनिक स्कूल के फॉर्म को भरते वक्त, उस पर नज़र डालेंगे। फिर एप्लीकेशन फॉर्म और फी स्ट्रक्चर में, या जो फीस है एप्लीकेशन फॉर्म की, उस पर नज़र डालेंगे। उसके बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन कब होता है, वंस इन ए ईयर, उसके ऊपर बात करेंगे। और अगर आपका रिजल्ट आ जाए, स्कोर कार्ड आ जाता है, तो उसके बाद जो ई काउंसलिंग होती है उसके बारे में बात करेंगे। रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सैनिक स्कूल में रिजर्वेशन है। इससे पहले हमने एक वीडियो कवर किया था RIMC का। RIMC में देर इज़ नो रिजर्वेशन। स्टेट वाइज कोटा है, स्टेट वाइज सीट्स हैं, बट देर इज़ नो रिजर्वेशन, लेकिन सैनिक स्कूल में है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड अल्टीमेटली क्या बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा अगर आप सैनिक स्कूल ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहना, इन सारी चीज़ों के बारे में जान लेना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करने में। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट हम लोग सैनिक स्कूल के बारे में देख लेते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ सैनिक स्कूल का। सैनिक स्कूल एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इट्स अ रेजिडेंशियल स्कूल, बच्चे वहीं रहते हैं। और एफिलिएशन इसका CBSE से है। ठीक है, CBSE से इसका एफिलिएशन है, लेकिन ये भी एक तरीके का फीडर इंस्टीट्यूट ही है। ये भी चाहता है कि बच्चे यहाँ से NDA ज्वाइन करें, ओके, या इंडियन नेवल एकेडमी ज्वाइन करें, या अदर अकेडमीज जैसे OTA एंड ऑल ये ज्वाइन करें। ठीक है, ये चाहता है कि बच्चे आर्म्ड फोर्सेज में जाएं लेटर स्टेजेस में। ओके, तो बेसिकली आर्म्ड फोर्सेज के अंदर जो शॉर्टकमिंग है ऑफिसर्स की, उसको फुलफिल करने के लिए सैनिक स्कूल्स को बनाया गया है। ठीक है, दिस इज द बेसिक नीड। अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंटली देर आर अराउंड 33 सैनिक स्कूल्स, मोर देन 33 प्लस सैनिक स्कूल्स हैं। बट क्योंकि कुछ इसमें सैनिक स्कूल्स अभी ऐड हुए हैं और उनको एफिलिएशन मिला है सैनिक स्कूल्स का, दे आर न्यू सैनिक स्कूल्स बेसिकली। ओके, बट 33 ऑफिशियल सैनिक स्कूल्स हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। हर एक स्टेट में आपको एक देखने को मिल जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एज वाइज ध्यान रखिएगा कि 10 से 12 होनी चाहिए फॉर क्लास 6 और 13 से 15 के बीच में होनी चाहिए फॉर क्लास 9। और अगर आपको एलिजिबिलिटी में डाउट है, या अगर आप चाहते हो कि हम आपकी एलिजिबिलिटी चेक करें, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें ज़रूर संपर्क कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारा नंबर देखने को मिल जाएगा। देखिए, जेंडर की बात करें, सो गर्ल्स एंड बॉयज बोथ आर एप्लीकेबल फॉर सैनिक स्कूल्स। बट मैंने गर्ल्स में यहाँ पर स्टार लगाया बिकॉज देर इज़ अ कंडीशन। 6th में गर्ल्स एलिजिबल हैं, बट 9th में अभी नहीं है सीट्स। तो 9th के लिए अभी लेटर स्टेजेस में हो सकता है कि 9th के लिए भी गर्ल्स एलिजिबल हों और वो एग्ज़ाम दे सकती हूँ। अभी फॉर द टाइम बिंग सैनिक स्कूल में अगर आपको एडमिशन लेना है गर्ल्स को स्पेशली, तो सिर्फ क्लास 6 में ही एडमिशन होगा। ओके, एंड लिमिटेड सीट्स आर देयर। नेशनैलिटी के बारे में बात करें तो इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, सो अगर मैं बात करूँ क्लास 6 में एडमिशन की, तो बच्चा क्लास 5th में होना चाहिए या क्लास 6 में होना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ क्लास 9th के लिए, तो बच्चा क्लास 8th में होना चाहिए फॉर क्लास 9th। वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी एज और एजुकेशन वाइज क्या क्वालिफिकेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट देखिए आपको दिखाई भी, इट इज़ नथिंग बट AISSEE, विच इज़ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन NTA.NIC.IN। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। ओके, तो बीवेयर, कोई गलत वेबसाइट में जाने की जरूरत नहीं है, दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सैनिक स्कूल। ओके, यहीं पर सारा रिजल्ट स्कोर कार्ड आपको आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज नथिंग बट द डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। स्टूडेंट की फोटोग्राफ चाहिए डिजिटल फॉर्म में, सिग्नेचर चाहिए बच्चे का। ठीक है, ये सारे डिजिटल फॉर्म में चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन फॉर्म सैनिक स्कूल्स के भरे जाते हैं। स्टूडेंट का थंब इंप्रेशन चाहिए हमें डिजिटल फॉर्म में, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का डोमिसाइल कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, कास्ट अगर बच्चा शेड्यूल कास्ट है तो बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट, और सर्विस सर्टिफिकेट फॉर डिफेंस कैटेगरी दोज आर सर्विंग, एंड PPO इट इज रिलेटेड टू पेंशन। ओके, पेंशन पेइंग ऑफिसर रिलेटेड है, ये सर्टिफिकेट चाहिए फॉर एक्स सर्विसमैन, जिनको पेंशन मिलती है जो एक्स सर्विसमैन है। ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आप ये सर्टिफिकेट्स को फुलफिल कर लेंगे इनके डिजिटल फॉर्म को, तो आप सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो NTA में ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। बात करेंगे सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरता है, एक सेपरेट वीडियो उसके ऊपर बात करेंगे। अगर मैं फीस की बात बताऊँ तो फीस 650 है फॉर द जनरल कैटेगरी और 500 फॉर SC ST कैटेगरी, ठीक है। तो इतना ऑनलाइन फीस आपको देनी पड़ती है, ओके। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम आपको मालूम होना चाहिए, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम होता है वंस इन अ ईयर और वो होता है इन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। तो हर साल जनवरी में आपको सैनिक स्कूल का एग्जाम देखने को मिलेगा, वंस इन अ ईयर होता है सैनिक स्कूल का एग्जाम, वेयर एज RAMC का एग्जाम होता है ट्वाइस अ ईयर, ओके। चलिए आई होप कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। आपने रिटन एग्जाम दिया वंस इन अ ईयर, रिजल्ट आया, आपका स्कोर आया, स्कोर के बाद ई काउंसलिंग होती है। एक नया फीचर ऐड हुआ है सैनिक स्कूल में, ई काउंसलिंग के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा, क्योंकि मल्टीपल स्टेजेस की ई काउंसलिंग होती है, जिसको मैं आपको, बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बच्चे को अप्लाई करना पड़ता है फॉर काउंसलिंग और फिर वो काउंसलिंग होती रहती है जब तक बच्चे को उसका डिजायर्ड सैनिक स्कूल नहीं मिल जाता, ठीक है। सो विल टॉक अबाउट इट, ई काउंसलिंग के बारे में भी बात करेंगे और देन फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन, एक एग्जॉस्टिव मेडिकल एग्जामिनेशन बच्चों का होता है और उसके बाद बच्चा अगर सब कुछ फिट रहा तो फिर बच्चे का एडमिशन होता है सैनिक स्कूल में। डॉक्यूमेंटेशन एवरीथिंग हैपेंस देयर, ओके। सो प्रोसेस याद रखना, स्कोर आया बच्चे का, फॉलोड बाय ई काउंसलिंग, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड देन फाइनल एडमिशन। लेट्स टॉक अबाउट रिजर्वेशन। अब क्या रिजर्वेशन आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टेट वाइज इसमें सीट्स हैं रिजर्व्ड बच्चों की, तो 67% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द कैंडिडेट्स जिस स्टेट में वो सैनिक स्कूल है। अगर मैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की बात करूँ तो उत्तराखंड के लिए 67% सीट्स हैं, ठीक है। या कोई भी यूनियन टेरिटरी हो, अगर वहाँ पर सैनिक स्कूल है तो वहाँ के लोगों के लिए 67% सीट्स रिजर्व्ड है। उसके अलावा 33 है अदर स्टेट्स या अदर यूनियन टेरिटरीज के बच्चों के लिए, ठीक है। अच्छा, जिसमें से 15% आपको सीट्स मिलेंगी फॉर शेड्यूल कास्ट SC, 7.5 सीट्स मिलेंगी फॉर शेड्यूल ट्राइब्स ST और 27% आपको मिलेंगी बैकवर्ड क्लासेस के लिए बिलोंगिंग टू नॉन क्रीमी लेयर। याद रखना, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। इसमें क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड किया गया है, OBC NCL वाले आएंगे इसमें। तो दिस वॉज ऑल अबाउट रिजर्वेशन। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, बेनिफिट क्या है सैनिक स्कूल को ज्वाइन करने का। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट, बेनिफिट क्या है बेटा। बेनिफिट ये, एक तो आपको देखिए सैनिक स्कूल सा रेप्यूटेड, यू विल गेट गुड एजुकेशन हियर, आपको बहुत अच्छी एजुकेशन देखने को मिलेगी। और क्योंकि इट्स अ फीडर इंस्टीट्यूट तो कहीं ना कहीं ये वर्क करेगा, इट्स अ फीडर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस सर्विसेज, ये कहीं ना कहीं काम करता है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर और आपको फिट रखेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज में भी काफ़ी फोकस किया जाता है, ओके। इसलिए सैनिक स्कूल बेटर है अदर स्कूल से। जो पेरेंट्स स्कूल्स में एडमिशन करवाना चाहते हैं, दे कैन थिंक अबाउट सैनिक स्कूल, कि सैनिक स्कूल बच्चों को क्या बेनिफिट दे रहा है। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो सिर्फ एकेडमिक्स में फोकस करते हैं, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी होती है, लेकिन सैनिक स्कूल एक ओवरऑल बच्चे के पर्सनैलिटी पर फोकस करता है, जहाँ पर एकेडमिक्स भी है और बच्चे की फिटनेस भी है और पर्सनैलिटी भी है, ठीक है। उसके अलावा आपको मिलिट्री ट्रेनिंग भी देखने को मिलती है, तो यहाँ से बच्चा डिसिप्लिन सीखता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखता है, ठीक है। वो जूनियर सीनियर का कल्चर, वो कोड ऑफ कंडक्ट, ओके, डिग्निटी ऑफ यूनिफॉर्म, वो सारी चीज़ें बच्चा यहाँ से सीखता है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बच्चे के अंदर आती है। सैनिक स्कूल में बच्चे, जो सैनिक स्कूल के बच्चे हैं, वो ज़्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छा करते हैं, क्योंकि उनको एज पर NDA वहाँ पर पढ़ाई कराई जाती है। अदर स्कूल्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अदर स्कूल्स में सिर्फ स्कूल के करिकुलम में फोकस किया जाता है, बट सैनिक स्कूल्स में आपको एज पर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम पढ़ाया जाता है, लेटर ऑन NDA के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इसलिए सैनिक स्कूल के बच्चे अच्छा करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और बहुत सारे करियर ऑप्शंस भी उनके पास रहते हैं। उसके अलावा सैनिक स्कूल्स के बच्चों की एक बड़ी अच्छी कम्युनिटी बन जाती है और सारे सैनिक स्कूल्स के जो एलुमनाई हैं बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, तो एक बहुत अच्छा गाइडेंस बच्चे को एट द एंड ऑफ द डे देखने को मिलता है, ठीक है। सो दिस आर द बेनिफिट्स, ओके। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। इंटरेस्टिंग लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी सीरीज, एजुकेशन सीरीज हम आपके लिए और लाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू सून एंड ऑल द बेस्ट।